जय हिंद, मैं चंद्र प्रकाश आप सबों का स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल जॉब तक नंबर वन पे। दोस्तों आज हम लोग हिंदी टाइपिंग के मंगल फॉन्ट या फिर आप उसको यूनिक कोड या रिमिंटन गेल या CBI जो भी कहना है इसी के अंतर्गत में रिमिंटन गेल CBI आता है और इनस्क्रिप्ट आता है, ठीक है। उसका जो कुछ शॉर्टकट की, वैसे शॉर्टकट की ज्यादा यूज होता नहीं है लेकिन बहुत कम शॉर्टकट यूज होता है और उसमें भी बहुत ज्यादा जो VBI है उसको लेके आए हैं। मेरे कुछ फ्रेंड का एग्जाम है बिहार SSC का, टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। वो कई रोज से कॉल कर करके मुझसे पूछा करते थे कि इसका शॉर्टकट की क्या है, उसका शॉर्टकट क्या है, इसको कैसे टाइप करें। तो मैं जो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है जो आपको हमेशा यूज होगा वो शॉर्टकट की नोट करवा देता हूं और आपको CRPF के एग्जाम में या फिर जहां भी अब हर एक जगह लगभग SSC जो है वो CBI पे लेती है, ठीक है, और CRPF जो है वो गेल पर लेती है, रिमिंटन गेल पे। तो देखिए अगर आपको परसेंटेज का साइन कहीं देना है तो Alt+37 टाइप कीजिए, Alt+63 टाइप कीजिएगा तो क्वेश्चन मार्क्स आ जाएगा। और चांद बिंदु का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, वैसे तो ये कीबोर्ड से ही बन जाता है लेकिन कभी कभी नहीं बनता है। किस किस केस में नहीं बनता है, जैसे कि आप फॉर लिखने की जरूरत होगा, जैसे आर लिख के चढ़ाइएगा तो नहीं बनता है, तो वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसके लिए कोड मारिए Alt+2305। किसी किसी कंप्यूटर के माफ कीजिएगा तबीयत थोड़ा सही नहीं है, किसी किसी कंप्यूटर के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा ये, आप शॉर्टकट की यूज कीजिएगा तो आपको वहां पे कुछ इस प्रकार का बन के आ जाएगा, ठीक है, या फिर कोई और भी सिंबल आ जाएगा। तो वो गलत नहीं है क्योंकि आपके कंप्यूटर के अंदर में क्या है ना कि डिक्शनरी डाल दिया गया है, डाला हुआ, इस वजह से वो हो जाता है और किसी किसी में ले लेता है। लेकिन जब आप टाइपिंग देने के लिए जाइएगा, जब वहां पर जब टाइपिंग टेस्ट दीजिएगा तो वहां पर यह प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। इसी तरह जो किसी किसी कीबोर्ड में आप देखिएगा ना, ब्रैकेट का राइट साइड और लेफ्ट साइड का जो ब्रैकेट होता है वो उसका की ही गायब रहता है, तो आप इस कोड को मार के आप वहां पे यूज कर सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट की था, अगर इससे रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, ठीक है। ये तो मेरे समझ से इतना यूज होता है क्योंकि होता क्या ना कि मैं तो बहुत बढ़िया टाइप कर लेता हूं, उसे अपना पढ़ाई खुद से नहीं करना चाहिए लेकिन बताएंगे तभी आप जानिएगा ना, तो टाइप कर लेता हूं तो मुझे कोई ज्यादा प्रॉब्लम आता नहीं है, ठीक है। आप नए हो, आप सीख रहे हो, जैसे कि मैं सीख रहा था उस समय बहुत ज्यादा मुझे प्रॉब्लम होता था, अब प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है वो अगर आप कमेंट करके मुझे बताइएगा ना तो मैं उसका आंसर या तो वीडियो के माध्यम से या कमेंट में आपको दे दिया करूंगा। धन्यवाद।